हेलो दोस्तों, एसएन टेक्निकल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंप्लीट हाउस वायरिंग किस तरह की जाती है। हाउस वायरिंग में हमें इन्वर्टर कनेक्शन किस तरह करना होता है, इन्वर्टर का बेसिक इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाएगा, दैट मीन्स इन्वर्टर बैटरी कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, इन्वर्टर में हमें चार्जिंग के लिए कनेक्शन किस तरह करना होता है, इन्वर्टर आउटपुट कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट को काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। इसके अलावा हाउस वायरिंग में हमें एनर्जी मीटर कनेक्शन किस तरह से करना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कनेक्शन किस तरह करना होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए देखिए, हम यहाँ पर एक मेन MCB कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज के वीडियो में हम सिंगल रूम के लिए हाउस वायरिंग कर रहे हैं। यदि आपके पास ज़्यादा रूम हो तो आप हर रूम के लिए एक सिंगल पोल के MCB भी कनेक्ट कर दीजिए। और एक MCB हमने इन्वर्टर के लिए कनेक्ट किया है। यदि आप इन्वर्टर से फेज और न्यूट्रल दोनों वायर ले जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको डबल पोल MCB कनेक्ट करना है। नॉर्मली इन्वर्टर से हमें फेज वायर ही लेकर जाना होता है, क्योंकि जो न्यूट्रल होता है वो हमारे घर का मेन न्यूट्रल ही काम में आ जाता है। तो यदि आप सिंगल वायर लेकर जा रहे हैं तो आप सिंगल पोल MCB कनेक्ट कर दीजिए। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक स्विच बोर्ड कनेक्ट किया है। इस स्विच बोर्ड के जरिए इन्वर्टर की चार्जिंग की जाएगी। और लोड के लिए देखा जाए तो हमारे पास टोटल 3 लोड है। फर्स्ट लोड हमने एक LED लाइट कनेक्ट किया है, एक हमने सेलिंग फैन कनेक्ट किया है और एक एग्जॉस्ट फैन कनेक्ट किया है। आपके घर का कोई भी लोड हो उस लोड का कनेक्शन आप इस तरह से कर सकते हैं। ये हमारे पास एक स्विच बोर्ड है। स्विच बोर्ड में देखिए हमारे पास टोटल 4 स्विच है, एक फैन रेगुलेटर है और एक सॉकेट है। तो देखिए हमें करना क्या है, इस स्विच से इस सॉकेट को कंट्रोल करना है। इस स्विच के जरिए हमें इस एग्जॉस्ट फैन को रन करना है। इसके अलावा इस स्विच के जरिए हमें इस LED लाइट को कंट्रोल करना है और इस स्विच के जरिए हमें फैन को रन करना है। बट फैन के स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमने एक फैन रेगुलेटर कनेक्ट किया है। अब चूंकि हमें इन्वर्टर कनेक्शन भी करना है, तो देखिए इन्वर्टर कनेक्शन आपको किस किस लोड में करना है ये आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। तो आज के स्टूडियो में देखिए, हमें ये सीलिंग फैन को इन्वर्टर के जरिए रन करना है और इस LED लाइट को इन्वर्टर के जरिए रन करना है। जो एग्जॉस्ट फैन है इसे हमें मेन पावर सप्लाई के जरिए ही रन करना है। तो देखिए हमें करना क्या है, इससे हमारा एग्जॉस्ट फैन कंट्रोल होगा, तो इससे हमें मेन लाइट से ही कनेक्शन करना है और इस स्विच और सॉकेट का कनेक्शन जो करना है यह भी हमें मेन पावर सप्लाई से ही करना है। कहने का सीधा सा मतलब है, हमें इन दो पॉइंट्स को मेन पावर सप्लाई से कंट्रोल करना है और इन दो पॉइंट्स को फैन और LED लाइट के पॉइंट को हमें इन्वर्टर पावर सप्लाई से कंट्रोल करना है। चलिए हमें यहाँ पर अर्थिंग कनेक्शन भी करना होगा। तो अर्थिंग कनेक्शन जहां पर भी आपको करना हो, तो यहाँ पर देखिए हमने अर्थिंग का वायर भी एक ला कर रखा है और यहाँ पर हमें 2 3-पिन टॉप कनेक्ट करना होगा। देखिए जो फर्स्ट 3-पिन टॉप है इसके जरिए हमारे इन्वर्टर की चार्जिंग की जाएगी सॉकेट से, और जो हमारे पास सेकंड 3-पिन टॉप कनेक्ट किया जाएगा इससे हमारा इन्वर्टर का आउटपुट आएगा। तो टोटल हमें 2 3-पिन टॉप कनेक्ट कर देना है, एक चार्जिंग के लिए और एक इन्वर्टर के आउटपुट के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बेसिकली अनअकैडमी के द्वारा इस वीकेंड एक स्पेशल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो कि हमारे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए है। यदि आप स्टूडेंट हैं, फ्रेशर या फिर इंजीनियर्स हैं, इन स्पेशल वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं। इन स्पेशल वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएंगे, जिन स्किल्स के जरिए आप किसी भी कोर इंजीनियरिंग कंपनी में अपनी जॉब को क्रैक कर पाएंगे। और जब आप इन वर्कशॉप को अटेंड करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिस सर्टिफिकेट को आप अपने रेज्यूम, CV या फिर LinkedIn प्रोफाइल पर लगा सकते हैं। इस वीकेंड जो वर्कशॉप मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो है IoT इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। जिन वर्कशॉप में आप सीखेंगे किस तरह से सेंसर्स को, एक्चुएटर्स को IoT टेक्नोलॉजीज के जरिए कंट्रोल किया जाता है, किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। बेसिकली ये जो वर्कशॉप होने वाली है वो टेक्नोलॉजीज फॉर टुमारो है। दैट मींस इन वर्कशॉप में आप सीखेंगे किस तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर्स आगे बढ़ने वाला है, किस तरह से फ्यूचर में ऑटोमोबाइल सेक्टर में वर्क होने वाला है। और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए कॉन्क्लेव 5.0 ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव 5.0 में आप सीखेंगे किस तरह से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को IoT टेक्नोलॉजीज के जरिए कंट्रोल किया जाता है। साथ ही साथ आपको सेमीकंडक्टर एंड चिप इंडस्ट्री पर भी ओवरव्यू मिल जाएगा।
यह जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो 14th ऑफ मई को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसकी ज्वाइनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि वहां पर मेरे आप इस कूपन कोड का यूज करते हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बेसिकली आईओटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए फ्यूचर में काफी ज्यादा यूज होने वाली है, तो आप एक बार इस वर्कशॉप को जरूर अटेंड कीजिए। चलिए अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम इन्वर्टर का बेसिक इंस्टॉलेशन समझ लेते हैं किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए, बैटरी में आपको यहाँ पर दो टर्मिनल नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर इन्वर्टर में देखिए पॉजिटिव वायर यहाँ पर होता है और नेगेटिव वायर यहाँ पर होता है। तो सबसे पहले बैटरी के पॉजिटिव से इन्वर्टर के पॉजिटिव को आपको कनेक्ट कर देना है, बैटरी के नेगेटिव से इन्वर्टर के नेगेटिव को आपको कनेक्ट कर देना है। तो ये सबसे सिंपल आपका कनेक्शन हो चुका है बैटरी और इन्वर्टर का। अब हमें इन्वर्टर की चार्जिंग के सॉकेट कनेक्शन करना है। तो यहाँ से देखिए, इन्वर्टर की यहाँ से केबल होती है जो कि MCB के जरिए कंट्रोल होती है। तो इस केबल को देखिए हमें यहाँ पे सॉकेट में कनेक्ट कर देना है। इस सॉकेट के जरिए हमारा इन्वर्टर चार्ज होगा, तो हमारा इन्वर्टर बैटरी कनेक्शन भी हो चुका है और इन्वर्टर चार्जिंग के लिए एक सॉकेट में भी 3-पिन टॉप में अभी कनेक्शन कर दिया है। अब हम समझ लेते हैं कंप्लीट हाउस वायरिंग किस तरह से की जाएगी। यहाँ पर देखिए एनर्जी मीटर में टोटल आपके पास 4 टर्मिनल होते हैं। तो जो फर्स्ट टर्मिनल होता है उसमें आपके पास मेन पावर सप्लाई का फेज वायर कनेक्ट कर देना है। सेकंड टर्मिनल में आपको मेन पावर सप्लाई का न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर देना है। देखिए एनर्जी मीटर में आपका इनपुट कनेक्शन हो चुका है। अब जो थर्ड टर्मिनल होता है, इस थर्ड टर्मिनल से आपको न्यूट्रल का आउटपुट मिलता है जो कि आपको मेन MCB में कनेक्ट कर देना है। देखिए मेन MCB में आपका न्यूट्रल आ चुका है। जो फोर्थ टर्मिनल होगा, यहाँ से आपको फेज का आउटपुट मिलेगा जिसे आपको मेन MCB में कनेक्ट कर देना है। देखिए हमारे पास मेन MCB में इनपुट पावर सप्लाई आ चुकी है, एनर्जी मीटर कनेक्शन हो चुका है। सबसे पहले हम इन्वर्टर चार्जिंग के स्विच बोर्ड का कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हमें फेज वायर इस मेन MCB से लेकर जाना है और सबसे पहले इसे स्विच में कनेक्ट कर देना है। आप स्विच में नीचे की तरफ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऊपर की तरफ भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए स्विच में हमारा फेज आ चुका है। अब स्विच को जैसे ही ऑन किया जाएगा तो यहाँ से ये फेज यहाँ पर आएगा। दैट मीन्स हमारे सॉकेट में फेज जो है वह स्विच के जरिए कंट्रोल होगा और जो न्यूट्रल वायर है, इस न्यूट्रल वायर को हमें डायरेक्टली सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। तो देखिए हमारे पास जो इन्वर्टर चार्जिंग का स्विच बोर्ड है, कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से देखिए हमें इन्वर्टर का आउटपुट मिलने वाला है, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक 3-पिन टॉप कनेक्ट किया है, जिसके जरिए देखिए यहाँ से हमारा आउटपुट आएगा और यह आउटपुट हमारे पास जो हमने इन्वर्टर MCB कनेक्ट किया है यहाँ पर आएगा। यदि आप जस्ट एक फेज वायर लाए हैं तो यहाँ पर फेज वायर कनेक्ट कर दीजिए। यदि आप न्यूट्रल वायर भी लाए हैं तो आपको न्यूट्रल वायर यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। बट न्यूट्रल वायर यदि आप नहीं भी लाते हैं तो आपका जो मेन न्यूट्रल है वही काम में आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए इन्वर्टर को आपको न्यूट्रल कहाँ से मिला है, तो देखिए यहाँ पे चार्जिंग से जो न्यूट्रल आया है यही न्यूट्रल यहाँ पर आया है। तो हमारे मेन घर का जो न्यूट्रल है वह भी सेम है। तो यदि आप न्यूट्रल वायर नहीं भी लाते हैं इन्वर्टर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हमारे पास इन्वर्टर MCB में भी फेस और न्यूट्रल आ चुका है। सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं। देखिए न्यूट्रल हमें कहाँ कहाँ पर कनेक्ट करना है, तो यहाँ से न्यूट्रल ले जाकर सबसे पहले LED बल्ब में न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है, यहाँ से सीलिंग फैन में न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है और हमारे एग्जॉस्ट फैन में न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। कहने का सीधा सा मतलब है आपके पास जितने भी लोड है सभी लोड में आपको न्यूट्रल की लूपिंग बनाकर इस तरह से कनेक्ट कर देना है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर न्यूट्रल स्विच बोर्ड में भी लेकर जाना होगा। स्विच बोर्ड में यदि आपके पास 5-पिन सॉकेट, 2-पिन सॉकेट या फिर इंडिकेटर है तो आपको न्यूट्रल लेकर जाना होगा, अदरवाइज न्यूट्रल का कोई फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 5-पिन टॉप है, इसके लिए हमने यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट किया है। अब हम समझ लेते हैं मेन सप्लाई से हमें यहाँ पर 2 पॉइंट्स को कंट्रोल करना है। इस स्विच से हमें इस एग्जॉस्ट फैन को मेन पावर सप्लाई से रन करना है और इस स्विच से हमें इस सॉकेट को हमें मेन पावर सप्लाई से रन करना है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो मेन पावर सप्लाई का फेज आया है, इसे हमें जितने भी पॉइंट आपके पास है जिसे आप मेन पावर सप्लाई से रन करना चाहते हैं सभी पॉइंट्स में इस तरह से आपको लूपिंग कर देना है। अभी हमारे पास जस्ट 2 ही पॉइंट है जो हम मेन पावर सप्लाई से रन करना चाहते हैं, तो दोनों पॉइंट में नीचे की तरफ हमने फेज की लूपिंग कर दिया है। अब बाकी के जो 2 पॉइंट है हमारे पास, ये फैन और LED लाइट का जो पॉइंट है, इसमें हमें इन्वर्टर कनेक्शन करना है। तो यहाँ से देखिए इन्वर्टर का हमारे पास फेज का आउटपुट आएगा,
इस आउटपुट को लेकर जाना है और जितने भी पॉइंट हैं जिन्हें आप इन्वर्टर से कंट्रोल करना चाहते हैं, इन्वर्टर के फेज वायर को आपको वहां पर इस तरह से लूप कर देना है। तो देखिए हमारे पास मेन पावर सप्लाई से दो स्विच में कनेक्शन हो चुका है और इन्वर्टर पावर सप्लाई से हमने दो स्विच में यहाँ पर इनपुट कनेक्शन किया है। अब किस तरह से आउटपुट कनेक्शन होगा हम समझ लेते हैं। यहाँ से देखिए इस स्विच को जैसे ही ऑन किया जाएगा तो फेज यहाँ का यहाँ पर आएगा और यह जाएगा हमारे सॉकेट के फेज वाले पॉइंट पर। कि हमारे पास ये जो सॉकेट है वो इस स्विच के जरिए कंट्रोल होगा। अब देखिए इस स्विच से हमें इस एग्जॉस्ट फैन को कंट्रोल करना है, तो यहाँ पर स्विच के ऊपर वाले सिरे पर एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेना है और इसे ले जाकर एग्जॉस्ट फैन में फेज हमें कनेक्ट कर देना है। तो हमारे पास जो मेन पावर सप्लाई के दो पॉइंट्स थे, दोनों पॉइंट्स का कनेक्शन हो चुका है। अब देखिए हमें इस एलईडी लाइट को इन्वर्टर पावर सप्लाई से कंट्रोल करना है, तो कनेक्शन सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा फेज यहाँ से यहाँ पर आएगा, इसे आपको ले जाकर एलईडी में कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एलईडी में भी अभी फेज वायर आ चुका है जो कि इन्वर्टर के जरिए आया है। जब आपकी मेन पावर सप्लाई रहेगी उस कंडीशन में यह जो आपके इन्वर्टर पॉइंट्स है वो मेन पावर सप्लाई से रन करेंगे। जब आपकी मेन पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगी उस कंडीशन में आपके इन्वर्टर के जो पॉइंट्स है वो इन्वर्टर पावर सप्लाई से रन करेंगे। अब देखिए अभी हमें यहाँ पे सीलिंग फैन कनेक्शन करना है बट फैन रेगुलेटर कनेक्शन भी करना है क्योंकि फैन की स्पीड हमें कंट्रोल करना है। तो जैसे स्विच ऑन किया जाएगा फेज यहाँ से, रेगुलेटर में आपके पास दो वायर होते हैं तो किसी भी एक वायर में आपको यहाँ से फेज वायर को कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए हमने रेगुलेटर को एक वायर को स्विच में कनेक्ट किया। अब रेगुलेटर का जो दूसरा वाला वायर रहेगा इसे आपके फैन का जो हाफ वायर होता है जो आपके फैन तक जाता है उसमें आपको कनेक्ट कर देना है। काफी सिंपल है, आप देख सकते हैं आपके पास फैन का कनेक्शन भी हो चुका है। देखिए आपके घर में जो हैवी लोड होता है, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो, उसमें आपको अर्थिंग भी कनेक्ट करना होता है और इस सॉकेट में भी हमें अर्थिंग कनेक्ट करना होगा। पहले सिरे पर यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले अर्थिंग को कनेक्ट कर देना है। तो अर्थिंग को देखिए यहाँ पर हमने स्विच के ऊपर वाले सिरे पर कनेक्ट किया है। एग्जॉस्ट फैन में यदि आप अर्थिंग देना चाहे तो अर्थिंग यहाँ पर दे सकते हैं और आपके घर पर जो भी लोड हो जिसमें आप अर्थिंग कनेक्शन देना चाहते हैं उस लोड के बॉडी पर आप अर्थिंग वायर को कनेक्ट कर दीजिए। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो कंप्लीट हाउस वायरिंग किस तरह से की जाती है, हाउस वायरिंग में हमें इन्वर्टर कनेक्शन किस तरह से करना होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।